हरि ओम नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। समास में समास का अर्थ क्या है? समसनम समासः। समसनम माने संक्षेप करना। जब विस्तार से संक्षेप कर दिया जाए तो उसे समास कहते हैं। समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक पद होते हैं, शब्द होते हैं, और उसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। संस्कृत के जो व्याकरण थे वो अगर एक मात्रा, एक स्वर या एक व्यंजन को कम कर लेते थे और अर्थ वही बना रहे तो कहते थे एक पुत्र जन्मवत। जैसे पुत्र के जन्म का आनंद होता है, इतना उन्हें आनंद प्राप्त होता था। ये समास का महत्व है। संक्षेप में विभक्ति रहित शब्दों का प्रयोग, दो शब्दों के बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप कर देते हैं और दोनों को समाहित कर देते हैं, तो वो समास हो जाता है। अब इसमें जैसे उपसर्ग, प्रापरा, अपसम, ये उपसर्ग हैं। अगर किसी शब्द के साथ में उपसर्ग को जोड़ दिया तो वो समास नहीं होगा। अगर किसी शब्द के साथ में इक्त्वाल्य, इक्ता प्रत्यय जोड़ दिया तो वो समास हो जाए, तो वो भी समास नहीं होगा। दो सुबंत पदों का आपस में समास होता है। सुबंत का तात्पर्य है रामा रामू रामा, जिनके इस प्रकार से सात विभक्तियों में रूप चलते हैं वो कहलाते हैं सुबंत शब्द। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह होता है जब विभक्तियों को लगा करके हम शब्दों को अलग अलग कर देते हैं अर्थ की विशेष जानकारी के लिए, अर्थ की स्पष्टता के लिए हम अलग अलग कर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, तब वो कहलाता है विग्रह। जैसे सभापति ही ये है, अब इसको अलग अलग कर दिया हमने, सभायाः पति ही, सभा के पति। समास चार प्रकार का मुख्य होता है, अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीह और द्वंद्व। और तत्पुरुष के दो भेद हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। पहला यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? अव्यय माने ना व्यय, जिसमें कोई व्यय ना हो, खर्च ना हो, अर्थात जिसके रामा रामू रामा की तरह रूप ना चले, वो अव्यय शब्द पहले लगे होते हैं। अब इसकी परिभाषा, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। इसमें दो पद हैं, एक पूर्व पद जो पहले शब्द होगा और एक दूसरा शब्द होगा, जिनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो प्रधानता जो है वो पहले वाले पद की शब्द के अर्थ की होती है। कैसे प्रधानता समझेंगे? क्रिया से संबंध में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, उपवृक्षम गच्छति, गच्छति जाता है, कहाँ जाता है? उपवृक्षम। अब यहाँ पर उपवृक्ष में दो शब्द हैं, एक वृक्ष है और एक उप है। उप माने समीप में और वृक्ष माने पेड़, तो जाता कहाँ पर है? वृक्ष पर जाता है कि उप स्थान पर जाता है? वृक्ष स्थान पर जाता है कि उप स्थान पर? तो प्रधानता किसकी है? उप की, कि वृक्ष स्थान पर नहीं जाता है, वृक्ष के उप समीप वाले स्थान पर जाता है। तो इस गच्छति क्रिया के आधार पर उप की प्रधानता है। तो पूर्व पदार्थ हो गया उप, इसकी प्रधानता के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ। यहाँ पर जो पहला शब्द है वो उपसर्ग होगा या निपात होगा, दिया हुआ है उपसर्ग या निपात। और समस्त जब समास कर देंगे उसके बाद में उसका रूप नपुंसक लिंग एक वचन में, जैसे पुस्तकम बनता है, इस तरह से माँ लगा करके बनेगा। अब ये सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लें तो समझिए मैक्सिमम अव्ययी भाव समास आपको आ गया। अव्ययम कहाँ पर होता है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इतने अर्थों में ये अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने इसमें स्पष्ट किया है कि जैसे वे समस्त पद है आधि हरि, पहला आया अव्ययम विभक्ति, विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति क्या है? जैसे सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हम अधि लगा देते हैं। वहां पर है आधि हरि, आधि हरि का अर्थ क्या है? हरि का सप्तमी में बनता है हरौ रूप, हरि गी, गी ये लगता है प्रत्यय, तो हरि गी, ये गी सप्तमी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। रूप बनता है हरौ, तो हरौ इति हरि भगवान में के अर्थ में हमने अधि शब्द का प्रयोग किया है। तो पहला विभाव होता है कहाँ पर? विभक्ति अर्थ में। वो सामासिक पद है अधि हरि। अब परीक्षा में जैसे दे दिया गया कि अधि हरि का विग्रह सहित समाप्त
करके और समास का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको लिखना है हरौ इति अव्ययीभाव समास, ये विग्रह होगा। जब विग्रह देंगे तब कहेंगे सामासिक पद लिखिए। अब वहां पर दे दिया गया हरौ इति, इसका सामासिक पद लिखिए और समास का नाम लिखिए, तब आपको लिखना है अधि हरि अव्ययीभाव समास। दूसरा समीप का अर्थ होता है, समीप माने पास में, पास में के अर्थ में उप उपसर्ग लगती है, जैसे है उपकृष्णम। अब इसको जब अलग करना हो तो जो संज्ञा शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए और समीपम जोड़ दीजिए, जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण भगवान के समीप माने पास में। ग्रामस्य समीपम, गांव के पास, तो क्या हो जाएगा उपग्रामम। नगरस्य समीपम उपनगरम, ऐसे बना लीजिए प्रयोग। आगे है समृद्धि अर्थ में, समृद्धि कहाँ होती है संपन्नता, जैसे मद्राणाम समृद्धि। मद्र क्या है, मद्र देश है, जैसे भारत देश है ऐसे ही मद्र देश था, वहाँ के लोग बहुत धनी थे, तो मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश के लोगों की समृद्धि, उसमें सुपसर्ग लगती है तो बन जाता है सुमद्रम। सुमद्रम बना, इसमें सुपसर्ग लगी, किस अर्थ में लगी, समृद्धि के अर्थ में लगी। अगला है दुर्यवनम, ये वृद्धि, ध्यान दीजिए वृद्धि माने बढ़ना होता है, ये वृद्धि नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धि। विगता रिद्धि, विगता माने समाप्त हो गई है जिसकी, रिद्धि माने संपन्नता, तो ये आधा वा है या में नीचे री लगी हुई है, ये वृद्धि है। तो वृद्धि का अर्थ होता है अवनति, नीचे होना, नाश होना, जैसे दुर, इसमें दुर उपसर्ग लगती है, यह दुर्यवनम, तो इसका विग्रह होगा यवना नाम वृद्धि ही, यवनों की वृद्धि, यवनों की अवनति। अगला अभाव अर्थ होता है, अभाव माने उसका वहां पर ना होना, ये अभाव कहलाता है, जैसे बना इसमें निर उपसर्ग लगता है, निर्मक्षिकम, ये रूप बनता है, विग्रह क्या होगा मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव, ऐसे ही निर्जनम बनता है, जना नाम अभाव, जहां पर लोग ना हो, बोले स्थान कैसा है निर्जनम स्थानम, तो निर्जन क्या, जनानाम अभाव, जन नहीं है वहां पर। निर्जलम होता है, कैसा स्थान, निर्जलम, जलस्य अभाव, जल का अभाव है निर्जलम, तो यहाँ पर निर उपसर्ग लगती है। अगला नाश अर्थ में होता है अति उपसर्ग लगती है, और अत्य शब्द का प्रयोग होता है विग्रह में, जैसे अति हिमम, अति हिमम हिमस्य अत्यय, हिम माने बर्फ के, अत्यय माने नाश हो जाने पर, तो इसमें अति उपसर्ग लगा, बन गया अति हिमम, विग्रह हो जाएगा हिमस्य अत्यय। अगला है असंप्रति, असंप्रति माने इस समय उचित नहीं है, इस समय ये बात ठीक नहीं है, इस समय अनुचित है, तो असंप्रति के अर्थ में जो अति लगता है, जैसे अति निद्रम, तो निद्रा माने नींद, संप्रति समय नहीं उचित, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, सही नहीं है, तो वहाँ पर अति निद्रम। अगला लगता है शब्द प्रादुर्भाव, प्रकाश अर्थ में, प्रकाश का तात्पर्य है उच्चारण अर्थ में, जैसे इति, इसमें इति शब्द लगता है, इति हरि, ये सामासिक पद है, तो हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का उच्चारण करना प्रकाश, तो यहाँ पर इति का प्रयोग हुआ। अगला है पश्चात, पश्चात माने पीछे, पीछे के अर्थ में अनुपसर्ग लगता है, जैसे अनु विष्णु, तो इसका सामासिक विग्रह क्या हुआ, विष्णु पश्चात, विष्णु माने भगवान विष्णु के, पश्चात माने पीछे, तो शब्द बन गया अनु विष्णु सामासिक पद। अगला यथा, यथा ये चार प्रकार के भावों में, अर्थों में प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है यथा से तात्पर्य है योग्यता अर्थ में, योग्यता में अनु लगता है, जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप की योग्यता के अनुसार, रूपस्य योग्यम, एक रूप के योग्य, तो अनुरूपम ये सामासिक पद है और विग्रह हो गया रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अगला विप्सा होता है, विप्सा माने होता है द्वित्व, द्वित्व माने दो बार कहना, एक शब्द को जब हम दो बार कहते हैं तो वो विप्सा कहलाता है, जैसे यहाँ पर है एकम एकम, एक शब्द को हमने दो बार कहा एकम एकम और प्रति लगाया तो उसे शब्द बन गया प्रत्येकम, ऐसे प्रतिग्रहम बनता है, उसका अलग अलग क्या होगा विग्रह, गृहम गृहम प्रति प्रतिग्रहम, प्रतिदिन का क्या होता है प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, तो ये विप्सा द्वित्व यथा वीप्सा के अर्थ में प्रतीक का प्रयोग होता है। अगला है अनतिक्रम, अनतिक्रम में का तात्पर्य होता है अतिक्रमण ना हो, अतिक्रम मतलब सीमा के आगे ना हो, जैसे किसी की क्षमता है कि वो 50 किलो का वजन उठा सकता है, अब अगर उसने 60 किलो का उठाया तो उसकी शक्ति तो 50 किलो की है, तो उसकी शक्ति का अतिक्रमण हो गया, तो शक्ति का अतिक्रमण ना हो, शक्ति के अंदर ही रहे, उसे बोलते हैं अनतिक्रम।
तो यथाशक्ति, इसमें यथा शब्द लगा है, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम है, शक्ति का उसने अतिक्रमण नहीं किया है। अगला है सादृश्य अर्थ में, जैसे हरे है सादृश्यम, इसमें सा लगता है, स हरि, अलग अलग विग्रह क्या हो गया, हरे है सादृश्यम, हरि भगवान के सदृश समान, तो सादृश्य के भाव में यहाँ पर हरि शब्द के साथ में सा लग गया तो सहरि बन गया। अगला आनुपूर्वेण, आनुपूर्व मतलब होता है क्रम के अनुसार, जैसे किसी के दो तीन जेठ बड़े भाई हैं, जेठ हैं, तो उसमें कहा गया पहले नंबर के जेठ, दूसरे नंबर के जेठ, तीसरे नंबर के ज्येष्ठ, तो उसको बोलेंगे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम के अनुसार, उसका अलग होगा ज्येष्ठस माने जेठ के, आनुपूर्व्यम माने क्रम के अनुसार, जेठ के क्रम के अनुसार, इसमें अनु लगता है। अगला आता है योग पद, योग पद का तात्पर्य है साथ साथ, जैसे भगवान विष्णु को बुलाया कैसे आना प्रभु, चक्र साथ लेके, और लक्ष्मी जी को साथ ले करके आना, तो संस्कृत में कहना है कि प्रभु चक्र साथ में लेकर के आइए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कहा सचक्रम आगच्छन्तु, प्रभु सचक्र आइए, सचक्रम माने चक्र के साथ, अलग अलग होगा चक्रेण युगपत, चक्र के साथ, इसमें सा लगता है। अगला सादृश्य के अर्थ में, सादृश्य माने समानता, तो इसमें सखी शब्द है तो उसमें सा जुड़ जाता है, सखी, सख्या सदृश, सखी के सदृश माने समान, सख्या सदृश ये विग्रह हो गया और साउद लग गया सा सखी। अगला है संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति जैसे छत्राणाम, छत्राणाम संपत्ति, छत में छत्रियों की जो संपत्ति है तो उसमें हो गया सछत्रम, छत्रियों की संपत्ति, ब्राह्मणानाम संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति है तो सुब्राह्मणम, सब ब्राह्मणम, ये है यहाँ पर साकल्य अर्थ में। साकल्य माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण का तात्पर्य क्या है कि जरा सा भी उसमें शेष ना बचे, वो जैसे सतृणम, इसमें सा लगाते हैं तो क्या हो गया, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम माने तिनका भी, अपरित्यज्य छोड़ करके तिनका भी ना बचे, पूरा का पूरा उठा लीजिए, तो उसे साकल्य माने संपूर्ण अर्थ में सा का प्रयोग हुआ, सतृणम। अगला पर्यंत अर्थ में है, सबालकांडम, बालकांड पर्यंत, इसमें सा भी लगता है और आ भी लगता है, तो सबालकांडम ये सामासिक पद है और पृथक पृथक हो गया बालकांड पर्यंतम, इसमें सा लगा है। आगे है नदी भिश्च, विशेष जो नदीवाची शब्द हैं उनके पहले अगर संख्यावाची शब्द लगा हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, देखने में आपको लगेगा कि यह द्विगु समास है लेकिन होता है अव्ययीभाव, ये विशेष ध्यान दीजिए, ये विशेष उदाहरण है। जैसे है पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारा, पांच गंगाओं का समाहार माने समूह, वो हो गया पंचगंगम। अब ये नदी भिष्य सूत्र के आधार पर यहाँ पर अव्ययीभाव समास हुआ। दूसरा है द्वियमुनम, द्वयोह यमुनयोह, दो यमुना नदी हैं, द्वयोह यमुनयोह, दोनों यमुना नदियों का समाहार मिला हुआ रूप द्वियमुनम, ये नदी शब्द के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर नदी भिष्य से अव्ययीभाव समास होगा। यह अव्ययीभाव शरत प्रभृतभ्या, अव्ययीभाव समास कहाँ होता है, शरत प्रभृतभ्या, शरत माने शरद आदि जो शब्द हैं, शरत आदि जो शब्द हैं, अगर पाठ में इनकी संख्या लिखी हुई है कौन कौन से शब्द होते हैं, तो उन शब्दों के साथ में जब अव्ययीभाव समास होता है तो वहाँ पर समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, टच में टा और चा का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है, तब रूप बनता है इसका उपसरदम, जैसे सरदाह माने शरद ऋतु के, समीपम समीप पास में, तो समीप के अर्थ में उप लग गया और शब्द बन गया उपसरदम। सूत्र क्या है, अव्ययीभावे शरद प्रभृतिभ्यः, ये आगे है अनश्च, अन जिन शब्दों के अंत में लगाओ, जैसे राजन शब्द है, आत्मन शब्द है, तो ये ना अन अंत वाले हैं जिनके अंत में ना लगा हुआ है और आ लगा हुआ है, तो अनंत ये जो शब्द हैं इनमें भी टच प्रत्यय होता है, जैसे इससे रूप बनता है उपराजम, अलग अलग हो गया इसका, राज्ञः समीपम, राजा के समीपम माने पास में, तो बन गया उपराजम, राजा के पास में, सूत्र अनश्च। ये कुछ विशेष प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आप केवल समास विग्रह और सामासिक पद इतना केवल याद कर लीजिए। यावन नामम, इसका अलग अलग होगा, यावंती नामानि, जितने नाम। अगला आ हिमालयम, अब देखिए आ हिमालयम ये शब्द है, अब इसका अलग अलग दो प्रकार से प्रयोग करेंगे,
जैसे चीन देश के संबंध में अगर आ हिमालयम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आ हिमालयम, तो वहां तात्पर्य क्या है, हिमालय उसकी बॉर्डर सीमा है, तो होगा आ हिमालयम चाइना देशा, हिमालय जो है वो चीन देश की सीमा है, ये भाव है। और जब भारत के पक्ष में बोलेंगे तो आ हिमालयम, यहां से लेकर के हिमालय पर्यंत पूरी जमीन किसकी है, भारत की, आ हिमालयम, हिमालय पर्यंत भारत देशा। अगला है प्रत्यग्निम, अग्निम प्रति, इसका बनता है प्रत्यग्नि, यह साक प्रति, साकस्य लेसः, ये समास विग्रह है, साक प्रति तिष्ठद्गु, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, तिष्ठन्ति माने बैठती हैं, गावः माने गाय, यस्मिन् काले जिस समय में, उसको बोलेंगे तिष्ठद्गु। यह पारे गंगम, गंगायाः पारे, पारे गंगम, यह सामासिक पद है और यह समास विग्रह है। यह है मध्य समुद्रम, समुद्रस्य मध्य, समुद्र के बीच में, तो हो जाएगा मध्य समुद्रम, ये अविभाव समास है। यहाँ पर नपुंसकादन्यतरस्याम, जो अन अंत वाला शब्द है और वो नपुंसक लिंग हो, वहाँ पर विकल्प से होता है, विकल्प का तात्पर्य ये है कि एक स्थान पर होता है एक स्थान पर नहीं होता है, ये विकल्प का भाव है। यहाँ पर टच प्रत्यय जैसे हुआ, चर्मन शब्द है, चर्मन में अन लगा है और ये नपुंसक लिंग है, तो चर्मणः समीपम, चर्म माने चमड़े के समीपम, पास में, उपचर्मम रूप इसका बनता है, चर्मणः समीपम ये विग्रह होगा और उपचर्मम ये सामासिक पद बनेगा, रूप बनेगा, और सूत्र का प्रयोग है इसमें नपुंसकादन्य तरस्याम। आगे हमने शब्द इधर दे दिए हैं कैसे शब्द हों, और इस पर इधर इनके उदाहरण दे दिए हैं, जैसे जो सामासिक पद है उसमें प्रायः अशुद्धियाँ हो जाती हैं कि क्या रूप बनेगा, तो एक सामान्य सा नियम है, जैसे अकारांत शब्द, अगर जो दूसरा शब्द है संज्ञा शब्द उसमें अगर ह्रस्व आ है, छोटा आ है, तो उसमें नपुंसक लिंग मा लगा करके बना दीजिए, जैसे उपकृष्णम, कृष्ण में नामे ह्रस्व आ है तो उसमें पुस्तकम की तरह बन गया उपकृष्णम। अब अगर आकारांत है, बड़ा है, दीर्घ आ है, तो वहाँ पर जब अविभाव समास करेंगे तो वहाँ पर दीर्घ आ को ह्रस्व आ हो जाएगा, अर्थात बड़ा आ को छोटा आ हो जाए, जैसे साला, पाठशाला होता है, तो ऐसे साला शब्द है आ है तो उसको कर दिया ह्रस्व, उपसालम, ये जो ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई बनी रहती है, जैसे यथाशक्ति है। अब अगर दीर्घ ई है तो दीर्घ ई को हम ह्रस्व ई कर देते हैं, बड़ी ई को छोटी ई, जैसे आ कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी रामे बड़ी ई है, उसको जब समास किया तो ह्रस्व ई कर दिया आ कन्याकुमारी। ऐसे ह्रस्व ऊ है तो ह्रस्व बना रहेगा, जैसे निर्वस्तु है ह्रस्व है बना रहेगा। अब जब दीर्घ ऊ होगा, जैसे वधु में बड़ा ऊ है दीर्घ ऊ है, तो उसको जब समास करेंगे तो ह्रस्व ऊ कर देंगे, जैसे है प्रतिवधु, तो प्रतिवधु, वधु से वधु कर दिया, ह्रस्व ऊ कर दिया। आगे ओ होगा, ओकारांत शब्द है तो उसको ह्रस्व ऊ कर देंगे, जैसे उपगु, गोह समीपम, अब गो माने गाय, तो गो में ओ है तो उसको जब समास किया तो ह्रस्व ऊ कर दिया, उपगु हो गया। आगे अगर री लगा है तो री बना रहता है, प्रतिकार्य कर्त्री। आगे अगर अन है तो अन में नपुंसक लिंग बन जाता है अध्यात्मम, ये आत्मन शब्द से बना है अध्यात्मम। आगे द्विगु समास है, संख्या पूर्वो द्विगुः, संख्या पूर्वो, संख्या जब पहले हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द जो है वो विशेष होगा, विशेष का तात्पर्य यह है कि वो संज्ञा शब्द होगा, समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग हो जाता है, जो इसका द्विगु का दूसरा समाहार द्विगु है वहाँ पर नपुंसक लिंग होता है, जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पांच पात्रों का एक समूह, तो नपुंसक लिंग बन जाता है पुस्तकम की तरह से पंचपात्रम। अकारांत उत्तर पद वाले जब समाहार द्विगु होता है तो वहाँ पर ई लग जाता है, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तीन लोगों का समूह, उसे बोलेंगे त्रिलोकी। और रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द के पहले जब संख्यावाची शब्द लगेगा तो वो नपुंसक लिंग हो जाता है, जैसे नवरात्रम, नवरात्रम। आगे द्विगु समास तीन प्रकार का होता है, पहला होता है तद्धितार्थ द्विगु, तद्धितार्थ का तात्पर्य है जो तद्धित के प्रत्यय हैं उसके अर्थ में, उसके भाव में जब समास होता है तब उसे कहते हैं तद्धितार्थ द्विगु समास, जैसे सर्णाम मातृणाम, यह कंप्यूटर में री डबल नहीं लिख रहा था इसलिए यहाँ पर री लिखा हुआ है, इसको आप डबल समझिए, दीर्घ री। सर्णाम माने छह, मातृणाम
माताओं का अपत्यम जो संतान है उसे बोलेंगे साण मातुरा। अब ये साण मातुरा ये सामासिक पद है और ये इसका विग्रह है। द्वय मातुरा द्वयोह मातरोह अपत्यम, दो माताओं का जो पुत्र है संतान है उसे बोलेंगे द्वय मातुरा। यह है पंचसु कपालेषु परिष्कृतः, पंच माने पांच कपालों में जो परिष्कृत किया जाए, जो शुद्ध करके लाया जाए उसे बोलेंगे पंच कपालः। ये सामासिक पद हैं और ये इसके समास विग्रह हैं। ये उत्तर पद द्विगु, उत्तर पद द्विगु का तात्पर्य है कि पहले द्विगु समास हो और बाद में यश वगैरह जैसे शब्द लग करके दूसरा समास भी हो उसको उत्तर पद द्विगु समास कहते हैं। जैसे है पंच पंच गवधनः, तो पंच गौधना में पंच गावा, पंच माने पांच, गावा माने गाय, धनम पांच गायों का धन है जिसके पास में, तो पांच गाय इस पंच गवाह में, पंच और गौ माने गो, इसमें आपका द्विगु समास होगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण द्वे अन्नी, द्वे माने दो अन्नी दिन, प्रिय यश सह जिसे प्रिय हैं वो हो गया द्वन्न प्रिय व्यक्ति, तो द्वे अन्नी में द्विगु समास हो गया। द्वे संख्यावाची शब्द है और अन्य संख्या शब्द है। ऐसे पंच सखाया प्रिया, पंच माने पांच, सखाया मित्र, प्रिया प्रिय हैं, यस जिसे सह वो हो गया पंच सख प्रिया। अब यहाँ पर पंच सखाया में द्विगु समास है। अगला है समाहार द्विगु, समाहार का तात्पर्य है समूह अर्थात एकत्र उपस्थिति, इसको स्पष्ट करते हैं समाहार को, एक जगह पर जब दोनों को रखा जाए। ये युग्म में हो सकते हैं, जैसे यह है पंचानाम गवाम समाहारः, पांच गायों का समूह हो गया पंच गवम। यह है सप्तानाम अन्हाम, अन्हा नाम लिख देते हैं छात्र गलत है वो शब्द, क्या है सप्तानाम अन्हाम, सात अन्ह माने दिनों का जो समूह है, सप्ताह सभी लोग जानते हैं, ये सप्ताह चल रहा है वो सप्ताह है, सप्ताह कैसे बना है सप्तानाम अन्हाम समाहारः, सात दिनों का समूह। ये है द्वयो अन्नो, दो दिन का समाहार मिला वरूप द्वहा। ये है नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नौ रात्रियों का समूह उसे बोलेंगे नवरात्रम। पंचानाम वटानाम, अब यहाँ पर ई लग जाएगा, पंचानाम माने, पंचानाम माने पांच, वटानाम बरगद के पेड़ों का जो समूह है उसे पंचवटी। ये है तिस्रीणाम रात्रिणाम समाहारा, तीन रात्रियों का समाहार वो हो गया त्रिरात्रम। ये तिस्रीणाम नावानाम नावाम समाहारा, तिस्रीणाम तीन, नावाम नावों का समूह वो हो गया त्रिनामम। आगे है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहाँ होता है जहाँ पर उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पदों की प्रधानता हो वो द्वंद्व समास होता है। इसमें चा अर्थ, चा माने और, लिखा दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में चा जो है वो छिपा रहता है, जब जोड़ देते हैं तो चा छिप जाता है। शब्दों की संख्या के अनुसार अगर दो शब्द हैं तो बाद में द्विवचन का प्रयोग होगा, अगर बहुत से शब्द हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा, और पूरे शब्द के बाद में जो सबसे अंत में शब्द होगा लिंग का निर्धारण उसके अनुसार होगा। लिंग का निर्धारण किसके अनुसार, जो अंतिम शब्द होगा उसके अनुसार, और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में चा लगा रहता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर अलग अलग, दो शब्द दे दिए गए, तीन शब्द दे दिए गए अलग अलग, उनको मिला करके रूप बना दिया। जैसे राम कृष्ण, ये सामासिक पद है, अब इसका अलग अलग क्या हुआ, रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण, हरि हरौ, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर, तो अलग हो गया हरिश्च हरश्च, हरि और हर। यह है नर नार्यौ, नरश्च नारी च, नर और नारी। यह है ब्रह्म विष्णु महेशाः, ब्रह्म विष्णु महेशाः, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्माच विष्णुश्च और महेशश्च, तीन हैं तो इसलिए बहुवचन हो गया महेशाः। यह है कंद मूल फलानि, अब यहाँ देखिए कंदश्च ये पुल्लिंग है, मूलम नपुंसक लिंग है, फलम नपुंसक लिंग है, विभक्ति का निर्धारण किसके अनुसार होगा, कंद के अनुसार नहीं होगा, किसके अनुसार, फल के अनुसार, तो फलानि, फलम फले फलानि नपुंसक लिंग होता है, तो कंदश्च मूलम च फलम च। अब इसके अंतर समाहार द्वंद आता है, समाहार द्वंद में समाह माने एकत्र उपस्थिति। अब यहाँ समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन का, जैसे पुस्तकम होता है ऐसे इसमें माँ लग करके रूप बनता है। जैसे काक उलूकम, काक माने कौआ, उलूकम माने उल्लू, कौआ उल्लू एकत्र उपस्थिति प्रदर्शित की गई तो बन गया काकोलूकम, माँ लग गया नपुंसक लिंग की तरह से कौआ और उल्लू। अलग क्या होगा इसका विग्रह, काकश्च उलूकश्च, कौआ और उल्लू का अनयोह समाहारः, इन दोनों का मिला हुआ अनयोह समाहारः।
यह पुत्र पौत्र कहते हैं, तो पुत्रश्च पुत्र, पौत्रश्च और पौत्र अनयो समाहार, इन दोनों का समाहार मिला हुआ रूप। आगे है यूका लिच्छम, यूका माने सिर में हो जाते हैं क्या कीड़े, कौन से बोलते हैं जुआ, और जो छोटी होती है उनको बोलते हैं लीखें, तो जुए को संस्कृत बोलते हैं यूका और लीख को बोलते हैं लिच्छा, तो यूकाश्च यूका जुए और लिच्छाश्च लीखें एतासाम समाहार, इनका जो समाहार मिला हुआ रूप जुए और लिखें। ये पाणिपादम, पाणिच माने दो हाथ, पादौच और पैर, इनका एतेषाम समाहार, इनका मिला हुआ रूप, तो पाणिपादम। अब ये विशेष है, जैसे वृक्ष है, मृग है, तृण है, धान्य है, व्यंजन है, पशु आदि के अर्थ के वाचक जो शब्द हैं उनमें विकल्प से होता है। विकल्प का तात्पर्य है समाहार द्वंद्व समास होगा भी और नहीं भी होगा, एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा, जब होगा तो इस तरह से रूप बनेंगे। तो दोनों रूप यहाँ पर दिए गए हैं, दो में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे प्लक्ष निग्रोधम, प्लक्ष माने पाकण और निग्रोध माने बरगद, तो प्लक्ष निग्रोधम भी बनेगा और प्लक्ष निग्रोधा बनेगा। कुश काशम, कुशा और कांस, कुशा का से घास होती है। ब्रीही यवम, ब्रीही माने धान और यवम माने जौ। यह है सुक बकम, सुक माने तोता और बकम माने बगुला, तो ये इसके समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं और ये विकल्प से बनते हैं, वो विकल्प के इधर उदाहरण दिए हुए हैं। आगे है एक शेष द्वंद्व, एक शेष में दो या दो से अधिक शब्दों में एक ही पद शेष रहता है। अब ध्यान ये देना कि एक पद शेष रहेगा लेकिन वचन दूसरा भी होगा, जब द्विवचन होगा तो एक दूसरे शब्द का ज्ञान हमें अलग से करना होगा, जिसको हम अंग्रेजी में अंडरस्टूड बोलते हैं कि ये चीज समझ ली गई है, अंडरस्टूड है। तो वो जैसे पितरऊ कहा गया तो पितरऊ कहने में पिता का द्विवचन का प्रयोग हुआ, तो दो पिता तो है नहीं, तो पितरऊ द्विवचन से माता का ज्ञान हो गया। तो समास में स्थित शब्दों की संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है, वचन के द्वारा दूसरे का ज्ञान होता है, और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द होने पर अगर एक पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है तो द्विवचन किसका लाएंगे, प्रधानता होगी पुल्लिंग के, पुल्लिंग के अनुसार ही वचन का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के अनुसार नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे है वृक्षा, वृक्ष, तो वृक्षस्य 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 वृक्ष 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 वृक्षा हो गया। ब्राह्मणों में ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, ब्राह्मण पुल्लिंग है, ब्राह्मणी स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोग होगा ब्राह्मणों पुल्लिंग के अनुसार। पितरों में माता च पिता च पितरों। आगे एक विशेष चीज है कि जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं कई एक, तो कई एक जब कर्ता होंगे तब वहां पर क्रिया किसके अनुसार होगी, प्रथम पुरुष के वचन के अनुसार। और प्रथम और मध्यम पुरुष अगर दोनों करता है, जैसे यहाँ पर है सहच त्वच, तो यहाँ मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, वचन दोनों का जोड़ देंगे लेकिन क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष के अनुसार। और नीचे तीसरा, अगर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों का प्रयोग है तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष के अनुसार, और उत्तम पुरुष के अनुसार होने पर जो वचन होगा वो तीनों का मिला करके होगा। जैसे तुम अहम च पठावह, तो तुम मध्यम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है, तो दोनों को जोड़ करके पठावह उत्तम पुरुष की क्रिया लगी। यहाँ पर बहुवचन की लगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, क्रिया उत्तम पुरुष की और वचन तीनों का मिला करके। धन्यवाद, नमो नमः।